फिर से हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गैस गीजर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके घर में गैस गीजर लगा हुआ है ऑलरेडी, या आप नया गीज़र लगवाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ लग सके। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गैस गीजर में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। ये हम देखते हैं दोस्तों, इसमें एक गैस वाली पाइप होती है। तो यहाँ पे इसके गैस वाली पाइप लगती है जो नीचे सीधा सिलेंडर के साथ अटैच होती है, और उसके साथ ये सेंटर वाली इसकी आउटलेट वाटर होती है जो हमें गर्म पानी देती है, और एक इनलेट वाटर होती है जिससे हमारा नॉर्मल टैप वाटर इसके अंदर जाता है, जो जहाँ से जा रहा है। और इसके दोस्तों यहाँ पर सेल डलते हैं, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये खुल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों सेल है मोटे वाले, जो पुराने टाइम में रेडियो में होते थे, तो इसमें एक सेल लगे होते हैं। तो दोस्तों इसको ऑन करने का तरीका क्या है? इसमें दोस्तों ऑन करने के लिए मैं कुछ करना तो नहीं पड़ता, सिर्फ टूटी खोलनी पड़ती है। अब यहाँ पे टैब को खोलेंगे और यहाँ पे एक स्विच लगी होती है जो इस समय ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे। वैसे इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार हमने इसको ऑन कर दिया तो ये हमेशा ऑन ही रखनी है। ये हम टैप को बंद कर देंगे, और उसके बाद अभी हमारी स्विच पहले से ऑन हुई हुई है लेकिन गीज़र हमारा ऑफ है। और पहले हम सिलेंडर को खोल देंगे। ये हमने सिलेंडर को ओपन कर दिया, गैस किसके अंदर जानी स्टार्ट हो चुकी है। और हम यहाँ पर टूटी को खोलेंगे, देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसके एक लाइट लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम टूटी को खोलेंगे वो लाइट ओपन हो जाएगी, और जब गीज़र चालू हो जाएगा लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है, ये चलती नहीं रहती। जब गीज़र को स्टार्टिंग मिलती है सिर्फ तभी ऑन होती है, उसके बाद गीज़र हमारा ऑन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे लाइट जल रही है, और आप देख सकते हैं पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें दोस्तों गर्म पानी आ रहा है, मैं इसकी थोड़ा आपको तेज़ करके दिखाता हूँ। इसमें से इस समय काफ़ी गर्म पानी आ रहा है। तो ऐसे दोस्तों हम इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ये देखेंगे, ये हमने जैसे ही टैप को बंद किया, या आप नीचे टैप देखें और ऊपर गीज़र को देखें, ऑटोमेटिकली गीज़र हमारा बंद हो चुका है। और जैसे ही हमने टैप को खोला गीज़र अपने आप स्टार्ट हो गया। तो इसको स्टार्ट करने के लिए बस सिर्फ हमें टैप खोलनी पड़ती है और कुछ भी नहीं करना पड़ता। और दोस्तों इसके बाद ये इसमें नॉब लगी होती हैं, इसके बारे में आपको समझाऊँगा। पहले हम गीज़र को ऑन कर देते हैं। ये हमने टैप को खोल दिया और गीज़र ऑन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पे लिखा है गैस कंट्रोल। जब मैं इसको दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, इस पे साइड में आग जल रही है, और जब मैं इस नोब को पीछे को घुमाऊंगा, ये देखिए गैस काफ़ी कम हो चुकी है, और बढ़ा दिया, गैस बढ़ गई। इसके अंदर जो फ्लेम चल रही है, आग जल रही है, वो बढ़ जाती है और कम हो जाती है, जिससे हम अपना पानी कम गर्म और ज़्यादा गर्म ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये है मैक्सिमम और मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है, इसमें यह यहाँ पे विंटर और समर भी लिखा होता है, और जब समर पे हम करेंगे या मिनिमम पर करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों बर्नर लगे होते हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर तीन बर्नर लगे हैं जिसमें सिर्फ दो ही चालू हैं। अगर हम इसको मैक्सिमम पे या विंटर पर करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, एक बर्नर ऑन हो जाएगा। वो देखिए, एक बर्नर और ऑन हो गया और अब बंद हो गया, ये चालू हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने घुमाया और बंद हो गया, हमने चलाया और चालू हो गया। इसके अंदर दोस्तों तीन बर्नर लगे होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम पर तीनों चलते हैं और मिनिमम पर दो चलते हैं। और तीसरी है ये वाटर फ्लो। ये आप देखा हमने, इस पर लो भी लिखा हुआ है और इधर हाई है। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि लो पे करेंगे तो पानी कम आएगा और हाई पे करेंगे पानी ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा है इसके दोस्तों। जब हम इसको हाई पे कर देंगे तो पानी हमारा कम आना शुरू हो जाएगा,
ये हाई लो इसलिए होता है क्योंकि ये पानी को गर्म करने के लिए दर्शाया गया यहाँ पे। अब हम लो करेंगे तो पानी हमारा कम गर्म होगा और हाई पे करेंगे पानी ज़्यादा गर्म होगा। तो अब देखें इसको ध्यान से, इस समय हमने लो पे किया हुआ है, पानी देखेंगे कौन सी स्पीड पे आ रहा है। ये पानी पिया, अब स्पीड देख सकते हैं। अब हम दोस्तों इसको हाई पे कर देते हैं तो आप देखें पानी की स्पीड देखिए कितनी कम हो चुकी है। लेकिन जब पानी कम आएगा तो पानी ज़्यादा गर्म आएगा, जब पानी तेज आएगा तो पानी कम गर्म आएगा। देखिए अब धुआं मारना शुरू हो गया पानी को, अब दे सकते हैं क्योंकि हमने लो पे कर दिया है। अब इसको हम वाटर को लो पे कर देंगे और इससे पानी हमारा तेज़ हो जाएगा। अब देख सकते हैं पानी काफ़ी दूर तक जा रहा है और पानी कम गर्म होगा। तो ये दोस्तों इसको चलाने का बहुत ही आसान तरीका था जो मैंने आपको समझा दिया है। और बंद करने के लिए बस यहाँ पे टैप बंद कर देंगे और हमारा गीज़र जो है बंद हो जाएगा। तो बाकी आपको दोस्तों इसकी जो कुछ डिटेल होती है वो भी आपको समझा देता हूँ। जब भी आप गीज़र को अपने घर में लगाएं तो हमेशा ही सेल नहीं डालें, और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ तो सेल को बाहर निकाल के रख दें, नहीं तो ये सेल होते हैं ये लीक हो जाते हैं और हमारी ये डब्बी है ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ इन सेल को निकाल दें और नेक्स्ट जब सर्दी आएंगी तो हम नए सेल इसमें डालें। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें आप। और दूसरा दोस्तों इसका रेगुलेटर जो होता है, रेगुलेटर को जब आप इसको ढक के रखें कभी भी बारिश में ना लगाएं, नहीं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। बाकी दोस्तों जब भी आप नेक्स्ट सीजन आए सर्दी आए तो इसकी सर्विस ज़रूर करवा लें, और ताजो गीज़र हमारा अंदर से बिल्कुल साफ़ रहे। कई बार क्या होता है कि ऊपर से छिपकली वगैरह इसके अंदर चली जाती है और हमें पता नहीं लग पाता और अंदर वो जल जाती है और हमारी पूरी दीवार जो ऊपर से वो काली होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी इसको ऑन करवाएं तो इसकी सर्विस ज़रूर करवा लें। तो अगर आपको दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।